यार लेकिन पीडीए में यार सवर्ण कहाँ जाएगा, यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। भी है इसके साथ सब लोग भी है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण जोड़ा ही नहीं, सवर्ण भी है, कहाँ है, काफी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं जो है कहाँ, ये तो नहीं दिख रहा उनसे। मिसाज यहाँ से कम से कम 50,000 से ज्यादा वोटे से जीते। पूरा नाम क्या हुआ किसका? हमारा नाम अवधेश कुमार निषाद है। बिरादरी देख रहे की बार 400 पार रहेगा, बीजेपी सरकार बनेगी चाहे जैसे बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इस वक्त दौरा कर रहे हैं। कई बस्तियों में लगातार मैं जा रहा हूं, गांव में चौपाल लगा रहा हूं, बाजारों में जा रहा हूं, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, चाय पर चर्चा भी कर रहा हूं। इस दरमियान मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, आखिर इस बार लहर किसकी चल रही है। इस बीच मैं जानने के लिए आ गया हूं, ये इलाका पड़ता है दानूपट्टी का, जो थाना क्षेत्र है मोतीगरपुर, और ये विधानसभा लगती है जयसिंहपुर। यहाँ के लोगों के मन में आखिर कौन बस रहा है, इस बात को टटोलने के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार किस पार्टी की हवा आपको नजर आ रही है? बीजेपी की। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे राशन देते हैं, किसान देते हैं, सबके कॉलोनी बनवाते हैं, और क्यों और दे रहा? जो विपक्षी दल है वो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। रोजगार बेरोजगारी बढ़ी है क्या? कुछ नहीं बढ़ी। कुछ बेरोजगारी बढ़ी है क्या? कुछ नहीं बढ़ी। कुछ नहीं, सब सही है। मतलब अब की बार यहाँ की जनता बीजेपी की तरफ घूम रही है। चलिए, क्या लगता है भैया आपको? हमको बीजेपी लग रहा है एकदम। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को? क्योंकि इतना काम ही हुआ है हर जगह पे। क्या काम हुआ? थोड़ा आगे आइए ना, कैमरे पर आइए। रोड आया है, बाकी कॉलोनी सबकी है। हाँ। बाकी प्लस गेहूँ चावल सबको दे रहा है राशन इतना सालों से। और क्या, लोग जब कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, दे रही सरकार, तो लोग कहते हैं 5 किलोमीटर कितना पार हो जाए। अरे तो कहा बगैर कमाने मिलेगा? कमाओ तो कुछ, बगैर कमाने थोड़ी ना मिलेगा। कमाने के लिए तो रोजगार भी चाहिए। अरे रोजगार कहाँ नहीं है, रोजगार तो हर जगह पे है। कहाँ कहाँ रोजगार है? सब जगह है, करने वालों को रोजगार कहाँ कमी है? चारों तरफ जब तक कमे भाई कमाएगा नहीं तब तक खाने थोड़ी ना मिलेगा। पूरा नाम क्या है? पूरा गजरा चौधरी। चौधरी जी, इस बार समाजवादी पार्टी कह रही पीडीए की सरकार बनेगी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। कुछ नहीं हुए ना। समाजवादी पार्टी कह रही पीडीए की सरकार बनेगी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। कुछ नहीं हुए ना। अब बीजेपी आएगा पक्का। भारतीय जनता पार्टी कह रही अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है? अब की बार 400 पार रहेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी चाहे जैसे बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। बस ऐसा लगता है? ऐसे लगता नहीं, ऐसा हो गया है। अच्छा, आप युवा हैं, लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कोई बेरोजगारी नहीं है, रोजगार करोगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। घर वाले कहते हैं पेपर कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, उपद्रव होगी तो पेपर लीक ही होगा। अगर कोई पेपर आता है उसको लीक किया जाए, लीक करवाया जाए तो लीक होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब लीक कोई करवाता है जी? आपके हिसाब से कौन लगता है कौन लीक करवाता है? बहुत लोग लीक करवाते हैं। पार्टी वाले कराते हैं? आप पार्टी कराता है, कौन कराता है? तो आप भीम निषाद को जानते हैं कि नहीं? भैया भीम निषाद को जानता, नाम तो सुना हूँ लेकिन देखा नहीं हूँ। चुनाव के पहले कभी सुना था? कभी नहीं सुना था। चुनाव के बाद सुना? आप सुन रहे हैं लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? आगे आई ना, पीछे कहाँ खड़े आप लोग? डरे डरे से सहमे से हुए आप लोग सरकार बनाते हैं, क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है जो बोल रही जनता। की बार हवा किसकी है? बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा है, सब बीजेपी वाले हैं क्या? सब बीजेपी वाले नहीं, ऐसा है। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया जो कि अब खाने कमाने को मिल रहा, शांति से जीवन व्यतीत हो रहा। विपक्ष वाले कहते बेरोजगार सब हो गए, रोजगारी नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं, सम्मान है, सम्मान निधि मिल रही है हम लोगों को। 2000 रुपया वाला मिलता है? 2000 रुपया मिलता है हमको, और पेंशन भी मिलती है, क्या दिक्कत है हमको? राशन भी मिलता है, खा कमा रहे हैं। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी, आपको क्या लगता है? वोट देते हो कि नहीं? हाँ देता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बात? हवा किसकी है? आपकी बीजेपी की हवा है। बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी क्या है? जब मेहनत करेंगे तो कमाएंगे, जो खाएंगे तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? महंगाई तो जब उन्नत होगी तो मेरे महंगाई तो बढ़ेगा ही। उन्नत हो तो इसका मतलब महंगाई बढ़ जाए? अरे तब क्या है, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। समय के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। मतलब अब की बार बीजेपी सरकार।
400 पार। देखो भैया अभी तो पार्टी क्लियर नहीं की भाजपा वालों ने, अब देखो कौन आता है फिर समझ में आएगा कैसे लड़ाई रही। भीम निषाद को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। इसके पहले कभी जाना था उनको? नहीं, इसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से चर्चा में आए हैं, चुनाव लड़ने आए तब से जान गए भीम निषाद को। इसकी सरकार बनती लग रही? अब देखो भैया क्लियर हो पहले पार्टी कौन किसको देती है। अच्छा, यहाँ से बीजेपी जिसको भी उतारेगी वो मजबूत नजर आएगा या पीडीए वाला जो समाजवादी? अभी उतार ही नहीं पा रही है, देख रहे हैं। अगर मेनका गांधी उतर जाती है तो तब तो टक्कर की लड़ाई तो रहेगी। मतलब टक्कर की लगती है, मतलब भीम निषाद टक्कर देंगे? इस बार टक्कर की लड़ाई रहेगी, ऐसी बात नहीं। विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि भीम निषाद पैराशूट कैंडिडेट है। सीताराम वर्मा भी है भैया, भीम निषाद पैराशूट कैंडिडेट, मेनका गांधी कहाँ से आई है? अरे अभी तो पैरा रही है। अरे भैया पैराशूट से अभी तो आई थी 5 साल पहले, 5 साल पहले तो पैराशूट से वो भी आई थी। अगर ये आ गए तो इनका कोई सब बोल रहा है, वो पैराशूट से आई कोई नहीं बोल रहा है। लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करने वाली सांसद है मेनका गांधी। दौरा करने से क्या मतलब है? यही बीरसिंहपुर से आप छीते पड़ी तक चाहिए, कोई एक शिलान्यास उनके नाम का हो बता दीजिए, कोई एक रोड बता दीजिए बीजेपी बनवाई हो। 5 साल सीताराम वर्मा थे, 2 साल इनका भी हो गया राज, कौन बोल बताओ, कौन कोई बनाया है बताइए, एक भी यहाँ से कोई एक रोड या कुछ बनाया हो बताइए। मेनका गांधी कहते हैं कि उन्होंने अतिक्रमण हटवा दिया शहर के बीच से, रोड चौड़ीकरण करवा दिया, डिवाइडर बनवा दिया, शहर को चकाचक करवा दिया। चकाचक करवा दिया, ठीक है चकाचक करा दिए। ग्रामीण स्तर पे कोई उनको कुछ नहीं दिखता भाई, सहारे सब है, गांव के लोग कहाँ जाएंगे शहर में? हमको तो रोज जाना आना है नहीं। मेनका गांधी सबकी सुनती है भाई, हम तो नहीं, हमारी नहीं सुनी है। हमारे क्षेत्र गए मेनका गांधी से मिले? हमारे क्षेत्र में बहुत, हम अपने बीजेपी के नेताओं से कहते थे भाई हमारा रोड बहुत खराब हो गया बनवाइए, 10 साल से आपके विधायक है लेकिन आज तक नहीं बन पा रहा है, जाके देख लीजिए यही बगल कहीं कोई रोड चले जाइए आप, यहाँ से कोई देख ले। भीम निषाद को जानते हैं? जानता हूँ, इसके पहले कभी? इसके पहले जानता हूँ, पार्टी प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के। यहाँ कभी आते थे दुख दर्द बांटने आप भाई? बहुत दिन बहुत बार आए हैं, ऐसा तो है नहीं आए नहीं है। अगर सामने बीजेपी की कैंडिडेट मेनका गांधी हो जाए तो क्या लग रहा है भीम निषाद टक्कर? कम से कम 50,000 वोट से मेनका गांधी हारेंगी। हारेंगी हारेंगी 100% हारेंगी बीजेपी यहाँ से। मेनका गांधी का जीत सुनिश्चित है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब की बार भीम निषाद यहाँ से कम से कम 50,000 से ज्यादा वोटे से जीतेंगे। पूरा नाम क्या हुआ किसका? हमारा नाम अवधेश कुमार निषाद है। बिरादरी देख रहे भैया, बिरादरी से क्या मतलब? बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। इसके पहले मैंने राजबाबू कोर्ट किया, सीताराम वर्मा कोर्ट किया है, मेरे क्षेत्र के लोग ये कहेंगे कि मतलब निषाद है तो निषाद को देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पहले तो मैं नहीं देखा। इसके पहले मैंने सीताराम वर्मा कोर्ट किया, राजबाबू कोर्ट किया। अच्छा ये बताइए, अरुण वर्मा भी यहीं से थे? एक मिनट, अरुण वर्मा भी यहीं से थे, अनूप संडा भी यहीं से समाजवादी के संघर्ष करते थे, इन लोगों को नहीं दिया भीम निषाद को अम्बेडकर नगर से सीधा उतार? नहीं भाई, वो पार्टी को उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी बात है, हम उस पर हम कुछ नहीं जानते। लेकिन यहाँ कोई भी विकास अगर किया है, अरुण वर्मा से ज्यादा कोई इस क्षेत्र में विकास किया ही नहीं है। तो फिर सांसदी का टिकट नहीं मिला? अब भाई उनकी कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हो। भैया जरा आगे आइए, आप थोड़ा सा लग रहा है कि चीजों को बताएंगे, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है, हवा किधर चल रही है? भैया जब सपा बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे तो दलित, यादव, ठाकुर और मुसलमान, इन चारों लोगों का वोट इकट्ठे गया था, तब तो 14,000 से हार ही गए वो, मेनका गांधी जीत गए। तो इस बार तो जो है कोई मतलब नहीं है मेनका गांधी या कोई भी बीजेपी से नहीं हारेगा चाहे नहीं हारेगा, नहीं हारेगा चाहे जो लड़ेगा। आप तो कह रहे 50,000 वोट के अंदर, अलग बात है, सबकी अपना अपना आकलन है जो ये। आपका क्या समीकरण, इन्होंने अपना समीकरण बताया, आपको क्या लगता है? आप देखिए बीजेपी के पास इस समय 90% छत्री वोट है, 90% उनके पास ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, और लगभग 70% जो आंकड़ा है, 60-70%। आपको रोकेंगे हम, भैया थोड़ा आगे आइए। अभी पीडीए जानते हैं पीडीए क्या है? जी क्या है पीडीए? पिछला दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश जी कहते हैं कि इस बार पीडीए की सरकार बनेगी, तो क्या अगर उनकी सरकार बनेगी तो सवर्ण इस देश में नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वो तो कह रहे हैं केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। भाई वो ठीक है, सवर्ण कहाँ जाएगा बस ये बताइए। अरे सवर्ण 15 वो टिकट नहीं दिए सवर्ण को,
आप हम ये पूछ रहे हो, कह रहे पीडीए की सरकार बनेगी, सीधा टैगलाइन है। भीम निषाद कह रहे हैं 50% काम निषादों का करेंगे, तो यादव वर्मा को 10-10, 5-5% का काम मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसके पहले मेनका गांधी की देख लीजिए, यही सब सब दलित बस्तियां हैं, उनको तो देख लिया, हो सकता है टिकट ही ना मिले उनको। चलिए भीम निषाद की बात करते हैं, उन्होंने कहा 50% निषादों का काम करेंगे, तो अब पीडीए, अब समझिए बात को, एक मिनट, अब पीडीए में यादव भी आ गया, पिछड़ा वर्ग के और तमाम लोग आ गए, वर्मा आ गए, अल्पसंख्यक भी हैं, तो अब 85% में आप सवर्णों का भी काम कर देंगे, लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा है भाई। लॉजिक उनकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, वो क्या करते हैं वो जाने, मामला गड़बड़ा रहा है। नहीं, मामला कुछ गड़बड़ा नहीं रहा है, मामला क्या गड़बड़ा रहा है, मामला कुछ, क्या नाम हुआ भैया, हो गया, क्या नाम हुआ, आगे आगे, क्या नाम हुआ आपका? रणजीत निषाद। किसकी सरकार? अब की बार जय भीम जय निषाद राज। ये कौन सी बात हुई यार, अब निषाद राज पहले कह दिए यार, पंडित पंडित ठाकुर उकुर जो गुस्सा जी है, मैं पहले जय निषाद राज बोल दिए। नहीं उसकी बात नहीं, हम सब निषाद हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। देखिए जातिवादी बात नहीं, जातिवादी बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर विकास देखना है सपा को लाना है, यहाँ जितनी जितना विकास हुआ है टोटल सपा से हुआ है। आपकी बार तो कह रहे हैं विकास की धारा मेनका जी ने बहावा दिया एकदम दिले। अब यहाँ देख लीजिए 6 लेन बगल से निकली हुई, ये भी सपा की देन है। 100 बेड का अस्पताल बना, वो भी सपा की देन। बीजेपी सरकार में बन रही है, आप सपा की देन, बीजेपी की सरकार में बन रहा ना, लेकिन वो टोटल काम हुआ था सपा के। इतने एयरपोर्ट बनवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, तो राम मंदिर से क्या होने वाला है? गजब बात कर रहे हैं, बात है गजब बात कर रहे हैं। आपका जो प्रत्याशी है वो कहता हम शुद्ध राम भक्त है, क्या उसे आपका, एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए, आपका प्रत्याशी कहता है कि शुद्ध राम भक्त है हम, हमने राम को पार किया था, ठीक है, हमने उसने कहा था राम को पार किया था, आप कह रहे हैं राम से कौन सा काम होने वाला है, उससे बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। ये आपका प्रत्याशी कहाँ समझ रहा है? आपका प्रत्याशी कहाँ समझ रहा है? वो तो आपको बता रहा है मैं शुद्ध राम भक्त हूँ। राम भक्त है, ये आस्था का प्रतीक है, ठीक है, इससे कोई बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। अगर राम मंदिर बन गया चलिए ठीक है, वो तो आस्था की बात है, वो और कोई जो है बड़े बड़े अगर उद्योग धंधे खुले होते उसमें रोजगार बढ़ा होता, तो अगर राम मंदिर से सिर्फ किसी का भला होने वाला नहीं। आप लोग कह रहे हैं अब की बार पीडीए सरकार, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, लग क्या रहा है अब की बार जो है? अगर बिरादरी से हट के बात करें, अगर बिरादरी से हट के, बिरादरी की बात नहीं है, वो तो अब की बार जो है सपा ने इनको टिकट दिया है, उसके पहले तो बहुत लोग आए थे, लेकिन अब की जो है 70% से ज्यादा जो है निषादों का और अन्य बिरादरियों का इसमें ज्यादा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि निषाद को सपोर्ट रहे। यस यार, लेकिन पीडीए में यार सवर्ण कहां जाएगा, यही तो लोग सवाल पूछ रहे भी हैं, इसके साथ सब लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण जोड़ा ही नहीं, सवर्ण भी हैं, कहां हैं, काफी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जो हैं कहां ये तो नहीं दिख रहा, उनसे जो उनसे जो हैं परेशान हैं, जो एकदम बेरोजगार हैं, रोड पर टहल रहे हैं डिग्रियां लेके एकदम परेशान हैं। अच्छा आप बताइए जनसंख्या, आप लोग जातीय जनगणना पर विश्वास रखते हैं या फिर गरीबी की गरीबों की जनगणना विश्वास रखते हैं? इसमें देखिए अगर जातीय जनगणना हो जाए उससे क्लियर हो जाएगा कितना किसका हिस्सेदारी है। हाँ हिस्सेदारी की बात ठीक है, अब गरीबों की बात, अगर गरीबों की जनगणना हो जाए तो कैसा रहेगा? यहाँ तो जो है गरीबी नहीं, गरीबों को मिटा देना चाहते हैं। कौन मिटा देना चाहते हैं? सरकार। राम राज आ गया, गजब बात, कैसे राम राज आ जाएगा? मंदिर बनवा देने से राम राज आ जाएगा? कह रहे हैं 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उससे क्या राशन दे रहे हैं, अगर आपको रोजगार मिल जाए लाइफ टाइम सुधर जाए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे सफर, बताइए कितना महंगाई बढ़ गई, कितना महंगाई बढ़ गई आप जान लीजिए। हवाई जहाज पे घूमेंगे? हवाई जहाज पे कहाँ घूमेंगे, रोड पर नहीं भैया, नहीं घूमे, हवाई जहाज नहीं बात कर रहे हो, हवाई जहाज पे नहीं गया, मोदी जी ने नहीं घुमाया, वो तो कह रहे हवाई चप्पल पहनने वाले, आप तो हवाई चप्पल भी तो नहीं। अरे मोदी क्या कहते हैं, वो राजनीतिक बात है भाई। अरे तो कुछ मतलब जनता को बरगला दिया जाए राजनीतिक बात करके, नहीं हम क्या करें और जनता क्या करे, इससे कोई लेना देना नहीं हमसे। अब की बार हवा किसकी नजर आ रही है, हवा किस तरफ चल रही है भाई? हवा में हम राजनीतिक नहीं करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक करते हैं असल में। अच्छा आपकी सोच से क्या लग रहा है माहौल इस बार यहाँ की लोकसभा?
सभा का क्या है भैया? भैया तो ये नहीं बता सकता माहौल किसका है। साइलेंट वोटर। हाँ चलिए चलिए ठीक है। तो इस वक्त हम दानूपट्टी इलाके में हैं और ये जो है थाना क्षेत्र मोतीगरपुर लगता है। यहाँ के लोगों से हम राय सुमारी कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे आपकी बार सुल्तानपुर की लोकसभा में हवा किसकी चल रही है, हवा किस तरफ बह रही है। फिलहाल यहाँ जो तमाम जो लोग हैं वो मिलजुल अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार पीडीए सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन अभी तो आने वाली तारीखों में ही तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, अपना सुल्तानपुर।